नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। खबर जिले के अमहिया क्षेत्र से जुड़ी है, जहां कटिंग सैलून में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और विधायक केपी त्रिपाठी का चहेता बीजेपी नेता एक फौजी से मारपीट कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। एक देसी कहावत है, जबरा मारे रोबे नदी। ये कहावत तब और सार्थक हो जाती है जब सत्ता की बाहों में बाहें डालकर जिले के भगवाधारी नेताओं के करीबी और बीजेपी के कथित नेता सरेआम गुंडई का ऐसा ट्रेलर टाइट करते हैं कि आम जनता इनके भौकाल से भयभीत हो जाती है। आपको बता दें, अमहिया थाना से करीब 500 मीटर दूर संचालित हेयर कटिंग सैलून में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता ने न सिर्फ कानून की किताबों में लिखी धारा पर कैंची चला डाली, बल्कि पुलिस वालों को भी सोच में डाल दिया कि धारा कौन सी लगाएं और गिरफ्तारी कैसे करें। सैलून के कैमरे में कैद हुए वीडियो को गौर से देखिए, एक शख्स कैसे कांच के गेट को धक्का देते हुए अंदर घुसता है। अंदर आते ही सामने खड़े लाल टी शर्ट पहने व्यक्ति को धक्का देता है। उसके बाद फनफनाए नाक की तरह फुंकारता ये कथित बीजेपी नेता, जिसका नाम ऋतुराज चतुर्वेदी बताया जा रहा है, चौबे जी ने लाल टी शर्ट पहने शख्स को चांटे पर चांटे बरसाए, लात घूसों की बरसात कर डाली। वीडियो में एक व्यक्ति और दिख रहा है जो बहती गंगा में नहा लेने का पूरा फायदा उठाते हुए थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाता है। ये लात, ये घूसे, ये चाटों की बारिश ने सावन को सूखा नहीं जाने दिया है। खैर मनाइए कि जिले में बीजेपी है, सरकार में बीजेपी है, पानी बरसे या न बरसे, ऐसे लात घूसों की बरसात ने मन तो बहला ही दिया है। इसी को विकास मान लीजिए। नहीं मानेंगे तो सावन का सोमवार फौजी के लिए कथित बीजेपी नेता ने विकास का शिकार कर डाला है। आगे मंगल से लेकर शनि कहीं आप पर भी भारी न पड़ जाए। अब सवाल ये कि क्या ये गुंडे लाइसेंसी गुंडे है, क्या जिले की पुलिस पालतू हो चुकी है? खैर इन सवालों में उलझेंगे तो उलझ जाएंगे। सवाल ये कि किसके संरक्षण में ये हौसलों की उड़ान जारी है? काले कारनामे का विरोध करने पर अब खुलेआम मारपीट किसकी शह पर की जा रही है? सवाल ये कि हाल ही में मिली महापौर के चुनाव में हार से क्या अब भाजपा बौखलाहट में है, जो हर हाल में आम जनता का दमन करना चाहती है? अमहिया थाना क्षेत्र के द बार्बर शॉप में भाजपा के कथित नेता ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू, अनुराग मिश्रा उर्फ कंचा, अमन चतुर्वेदी ने घुसकर दुकान संचालक एवं उनके कर्मचारियों से मारपीट की है, जिसमें रिटायर्ड फौजी दिनेश मिश्रा और उनके कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन लगता नहीं कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा। इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो वह केवल और केवल जनता है। इनकी गुंडाई को देखते हुए नगरीय निकाय से लेकर पंचायती राज के हुए चुनावों में जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। आखिर विवाद की वजह क्या है, आखिर क्यों गुंडे हर जगह कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इन्हें किसने छूट दी है, क्या पुलिस प्रशासन आम जनता की रक्षा करने की बजाय इन रजिस्टर्ड गुंडों के लिए काम कर रही है, ये सोचने वाली बात है। गनीमत है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, अन्यथा पुलिस पीड़ित को ही आरोपी बना सकती थी। काउंटर मामला दर्ज कर मजबूर कर देती कि ये पीड़ित ही अपनी शिकायत वापस ले ले। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने हजारों रुपए के सामान का नुकसान कर दिया है। पुलिस को सूचना दी होगी घटना के बाद, तो पुलिस कब पहुंची थी और जब वो आरोपी कहां थे, क्या हुआ फिर उसके बाद? जैसा वो हमारे साथ मारपीट करके बाहर निकले, उसी समय एक एएसआई द्विवेदी करके और एक पाठक हेड कांस्टेबल, वो वहीं से निकले हैं और उनको ऋतुराज को पकड़ के ले गए कि चलो घर जाओ दादा, आप घर जाइए। ऐसा नहीं लगता कि थाने पहले बता के आए हो कि हम मारपीट करेंगे, पुलिस भी पहुंची और सुरक्षित उनको पहुंचा दी कि इनके साथ कोई न मारपीट हो? ये भी हो सकता है। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों को आपने जानकारी दी थी कि पुलिस मौके पर थी, गिरफ्तार नहीं की और उनको घर पहुंचाई? वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही बता देगी सब कुछ कि कौन था और कौन नहीं था। पुलिस वाले थे उस समय जब घटना? जी जी। ये वीडियो जो है पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में विवाद किए थे, जिसमें दुकान में घुस करके मारपीट की गई है। इस पर थाना अमहिया में 452/94/323 का अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना की जा रही है। कौन ऐसा मारपीट करने वाले को चिन्हित है? वो जो वीडियो में है उनको चिन्हित किया जाएगा, जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के पदाधिकारी बताए जाते हैं वो जो भी थाने मामला
कोई भी होंगे जो अपराध करेगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ पुराने आपराधिक मामले भी थे इनके? क्या कुछ पुराने आपराधिक मामले भी थे? अब ये विवेचना का विषय है, जब विवेचना चलेगी उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी अगर देखी जाएगी, यदि है तो उसको भी शामिल किया जाएगा उसमें। पीड़ित कह रहा है कि जिसमें मारपीट घटित हुई उस समय अमैया थाने के एएसआई और प्रधान आरक्षक मौजूद थे, जो पकड़ने की बजाय उसको ले गए घर छोड़ने, तो क्या ऐसा तो नहीं लगता बताकर गया हो मारपीट करने जा रहा है, पुलिस भी साथ में थी मौके पर, थी पकड़ी नहीं? ये आप कह सकते हैं, आरोपी कह रहा हूँ मैं, क्यों कहूँगा नहीं, तो ये आपका भरोसा है। पीड़ित ने पुलिस के सामने कोई ऐसी शिकायत नहीं की, फुटेज में भी है कैमरा उसके यहाँ लगा हुआ। जो आप कह रहे हैं ये फरियादी ने पुलिस के सामने ये बातें नहीं कही हैं, यदि ये बात वो कहता है तो इस बिंदु को भी अगर जांच में लिया जाएगा, यदि पुलिस उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। तो ये कह नहीं रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई थी, पहले आवेदन लिया जा रहा था, जब वायरल हुआ वीडियो इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, पहले भी कई बार शिकायत किया था उसी के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं जिसके कारण से यहाँ तक इसको पहुँची। नहीं, ये कहना गलत है आपका कि ऐसा हुआ है, इसका जो है संज्ञान, जब भी कभी कोई घटना हुई है उसका तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाती है, और ये घटना भी जो है वायरल कल ही, आप ये वीडियो वायरल हुआ है और कल ही मुकदमा कायम हो गया है उसमें, तो ये कहना कि वायरल हो गया और उसके बाद कायमी नहीं की गई तो ये गलत है। क्यों कह रहा हूँ सर, पीड़ित ऐसा? अब ये आरोपी बता सकता है, ये पीड़ित बता सकता है कि वो क्यों कह रहा है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ये आपके यहाँ घुसकर कुछ भाजपा के नेताओं ने मारपीट की, पूरा कारण क्या था? क्या कारण? मेरा किसी से कोई पर्सनली विवाद नहीं है, बच्चों के बीच में जो हुआ हो हुआ हो, उसकी एफआईआर है, न्यायालय अपनी कार्रवाई कर रहा है। उसके बावजूद भी वो कल दो लड़के, जिनका एक का नाम है ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू, वो भाजपा दीनदयाल मंडल का उपाध्यक्ष अपने आप को बताता है, और उसकी मंत्रियों के साथ फोटो भी वायरल है, और वो और उसके साथ अनुराग मिश्रा कांचा करके दो लड़के घुसे और हमारे बाहर से ही लात घूसा के साथ प्रवेश किए और हमारे को जो है निर्दयी की जानवर की तरह पीटा। कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा आपका जो तोड़ फोड़ किया है? अब दुकान खुलने के बाद वो मेरे साथ घटना घटी, मैं सीधे थाना पहुंच गया। क्या पुराने मामले को लेकर कुछ दबाव बना रहे थे मामला वापस करने के लिए कुछ और? पुराने मामले को दबाव नहीं बना रहे थे वो, बल्कि ये क्या है, हर जगह जो है तो जो भी मेरी रिपोर्टें पहले हुई हैं तो वो पुलिस द्वारा दर्ज ना की गई, हमें आवेदन के माध्यम से लौटा दिया जाता था, इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ था और वो हर बार जो है तो मुझे दबाते थे। कल भी मेरे से यही बोला गया कि आवेदन आप दे के चले जाइए, तो मैं बोला मैं बिना एफआईआर के नहीं जाऊंगा। तो मिलाकर विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ उसकी फोटो है, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के साथ, शिवा अग्रवाल थानेदार है उसका भी वो सहयोगी है, क्या इनके दबाव के कारण एफआईआर नहीं हो रही थी? मैं थाने के ऊपर प्रशासनिक है तो स्वाभाविक है कि होगा उसका दबाव। क्या अगर पहले कार्यवाही हो चुकी होती तो ये घटना ना घटती? जी, हमारे साथ जो पहले घटना हुई है इसके केस के पहले हमारे बच्चों के ऊपर कोई अपराध नहीं है, और जब से इसके साथ विवाद हुआ तब से जितने भी अपराध हैं ये इसके द्वारा आरोपित करवाए गए हैं। क्या लगता है राजेंद्र शुक्ला का भी संरक्षण है इसके आरोपी के? ये तो मंत्री जी खुद जाने। जिस तरह से फोटो है, दुकानदारों को टारगेट बनाया जा रहा है, इसके पहले भी ये समान थाना क्षेत्र में ही मारपीट किया है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो संरक्षण तो होगा तब तो कार्रवाई नहीं? कोई ना कोई संरक्षक है, तभी उसका इतना मनोबल बढ़ा है, वो हर दुकानों में घुस के उसकी जो टीम है वो कहीं भी अटैक कर सकती है और भविष्य में और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप सेना से रिटायर जवान हैं, सेना की सेवा करते करते देश की सेवा की, आज दुकानदारी करके परिवार चला रहे हैं, आपके साथ इस घटना का कितना व्यापारी अपने आप को सुरक्षित मानता है? व्यापारी पूरी तरह से असुरक्षित है, जहां की बीच शहर में मैं बैठा हूं उसके ऊपर आके डायरेक्ट अटैक करना ये जो है तो आगे चल के और भी खतरनाक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी? बिल्कुल, ऐसे लोगों के साथ मैं शासन प्रशासन और जो भी जुम्मेवार पर्सन है वो उसके हिसाब से कार्रवाई करें। देखा आपने किस तरह से पुलिस के सामने रजिस्टर गुंडों ने मारपीट की और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की वजह सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया, जबकि उक्त आरोपी के खिलाफ पहले भी शराब दुकान में घुसकर मारपीट करने का मामला समान थाने में दर्ज है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP यह कह रहे हैं कि पीड़ित ने मीडिया को बयान दिया है, पुलिस को नहीं, जबकि पीड़ित सेना का रिटायर्ड जवान है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पुलिस अगर पहले कार्यवाही कर देती और मौके से गिरफ्तार करती तो इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती, जिससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है। देखते रहिए विराट 24 न्यूज।